श्री राम कथा एवं रुद्र अभिषेक का हुआ आयोजन। गाडरवारा की नई गल्ला मंडी प्रांगण में श्री राम कथा एवं रुद्र अभिषेक का आयोजन होने जा रहा है। पुरुषोत्तम माह के पावन पर्व पर श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य कादम्बगिरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य महाराज चित्रकूट धाम के श्री मुख से श्री राम कथा एवं रुद्र अभिषेक किया जा रहा है। 11 अगस्त से 18 अगस्त तक कथा का श्रवण किया जाएगा। रुद्र अभिषेक 9 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा। सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था प्रतिदिन रखी गई है। कथा के संबंध में गाडरवारा के सुखदेव भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नगर एवं आसपास क्षेत्र के गणमान्य नागरिक व महिलाएं सम्मिलित हुए। सभी लोगों ने रामकथा को भव्य रूप से श्रवण करने के लिए अपने अपने विचार रखे। रामकथा एवं रुद्र अभिषेक का आयोजन पूर्व विधायक गोविंद सिंह पटेल, भाजपा नेता गौतम सिंह पटेल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भाजपा नेता गौतम सिंह पटेल ने कहा कि 10 तारीख को भव्य कलश यात्रा नदी मोहल्ले से नई गल्ला मंडी के लिए निकाली जाएगी। रामकथा रुद्र अभिषेक एवं भंडारा प्रसादी के संबंध में जानकारी दी गई। पुरुषोत्तम मास में धार्मिक कथाओं का भारत बड़ा ही महत्व रहता है। आज सुखदेव भवन में रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, बड़ी बैठक कैसा क्या महत्व रहता है? उससे बड़े 12 गुना महत्व होता है। कोई भी कार्यक्रम धार्मिक कथा हो, भागवत हो, एक बार जरूर उसको अपने घर में देखा, एक बार कथा की उसे दो कथाओं में कथा भी राम कथा सुनने आ रहे हैं, भी कथा सुनने के लिए अभी इसमें पढ़ते नहीं हूँ उनकी कथा, लेकिन सुना है कि बहुत अच्छी बच्चा है, अच्छे धर्म के टूटते हैं, धर्म टूटे तब उसकी सर तो सब सुनने की इच्छा होती है। अच्छा उत्सव भवन में गाडरवारा में जो राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, कैसी क्या तैयारी है, किस संबंध में बैठक हुई है? धर्म गुरुओं के आशीर्वाद से उत्सवोत्तम मास पावन पर्व कैसा क्या कलश यात्रा वहाँ से कैसी क्या निकली? कलश यात्रा 10 तारीख को 12 बजे 4 बजे से